होम्योपैथी जिस तरह से चिकित्सा जगत के हर क्षेत्र में अपना एक गहरा प्रभाव दिखा करके जनमानस के लिए एक अत्यंत ही सुखद और भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति साबित होती चली आ रही है, ये सचमुच में मानव जीवन के लिए एक बहुत ही सुखद और आनंदमय क्षण है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बीमारियों के लिए तो ये जैसे लोगों के जवान पे है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर किसी को गिल्टी हो जाए, कहीं सूजन हो जाए, कहीं उभार हो जाए, तो बरबस लोग ये कहा करते हैं कि यार ऐसा करो कि इसको होम्योपैथी में दिखा लो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ दिन अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करा लोगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि किसी भी तरह की ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन हो, इंड्यूरेशन हो, इसके लिए होम्योपैथी का जवाब नहीं। मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी आज आप लोगों को अपने चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी के माध्यम से एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज चर्चा करेंगे जो आपके इन्हीं समस्याओं के लिए, मतलब कि सूजन के लिए, गांठ के लिए, इंड्यूरेशन के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगी। जी हां, हम बात करेंगे लैपिस एल्बा की। दोस्तों अक्सर आप सुने होंगे कि जब गांठ होती है तो हम कैल्केरिया फ्लोर, साइलेसिया आदि दवाओं का हम प्रयोग किया करते हैं, लेकिन आज लैपिस एल्बा का जो क्षेत्र है वो आपको मैं विस्तार से बताता हूं। जैसे किसी को देखे होंगे कि गले में ग्वाइटर हो जाता है, घेंघा हो जाता है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, वो बढ़ते ही चला जाता है। अगर आप लैपिस एल्बा का प्रयोग ग्वाइटर के केस में करते हैं तो आपको बहुत ही संतोषजनक परिणाम देखने को मिलेगा। अब आपको कभी कभी क्या होता है कि प्री अल्सरेटिव स्टेज ऑफ कार्सिनोमा, बहुत बहुत ही इंटरेस्टेड ये टर्म है। जैसे कि किसी को कार्सिनोमा का डायग्नोस हो गया कि इनको कैंसर की स्टेज है, और उसमें क्या है कि प्री अल्सरेटिव स्टेज हो गई, उसमें कुछ अल्सर फॉर्मेशन हो गया, घाव जैसे हो गया, कभी कभी हीमोरेजिक कंडीशन हो जाती, उसमें ब्लड की स्थिति आ जाती, यानी यूं कह लीजिए कि अल्सर जो है कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है और वो बिल्कुल उलझ गया है। ऐसे में लैपिस एल्बा का बिल्कुल ही जवाब नहीं। मैं डोज आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी आप एक एक बात को ध्यान से सुनिए। अब देखिए हेमोरेजिक कार्सिनोमा, ऐसा कार्सिनोमा जिसमें जो है ब्लड की ऊजिंग होती है, ब्लड निकलने लगता। अब देखिए फाइब्रॉइड ट्यूमर, देखिए ट्यूमर दोस्त कई तरह के होते हैं। अब जैसे देखे होंगे कि हमारी मां बहनों के यूट्रस में फाइब्रॉइड यूट्रस हो जाता है, यानी कि फाइब्रॉइड यूटेराइन ट्यूमर हो जाता है, ऐसे के लिए लाइपोमा बहुत ही अच्छी दवा। ओटाइटिस मीडिया, कान के अंदर देखे होंगे कि किसी किसी को कान में सनसनाहट होती है तो डॉक्टर क्या कहता है कि कान में तुम्हारी ओटाइटिस मीडिया हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि कान के पर्दे में सूजन हो गई है, कान में जो है झिल्ली में सूजन हो गई है, तो इसके लिए भी लैपिस एल्बा बहुत ही अच्छी दवा। ग्लैंडुलर हार्डनिंग ऑफ ब्रेस्ट, हमारी माता बहनों के कभी कभी ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा इंड्यूरेशन हो जाता है, हार्डनेस हो जाती है, वो कड़ा हो जाता है और वो इंड्यूरेट करके और कुछ गिल्टी का शक्ल ले लेता है, उसमें पेन होती है, कभी कभी तो बहुत लोगों को उसमें जो है सुपुरेशन भी हो जाता है,
उसमें घाव की स्थिति बन जाती है। ऐसे के लिए भी लाइपिस एल्बा बहुत ही अच्छी दवा है। स्क्रोफुलस एब्सेस एंड सोर, कभी कभी ऐसा घाव होता है जो बहुत सूजन लिए हुआ होगा, बहुत देखे होंगे कुछ घाव ऐसे होते हैं जो स्क्रेफुल हो जाते हैं, वो बिल्कुल जिसको गांव में कहते हैं कि इंडोरेट कर जाता है, तो ऐसे के लिए भी लेपिस एल्बा बहुत ही अच्छी दवा। कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी किसी को सर्वाइकल ग्लैंड, सर्वाइकल एरिया में सूजन हो जाता, बहुत लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो ज़्यादा झुक करके इस तरह से ज़्यादा जो वर्क करते हैं, उनके जो सर्वाइकल एरिया में इंडुरेशन हो जाता है, गांठ जैसी स्थिति आ जाती है, उस गांठ को भी लेपिस एल्बा बहुत ही शालीनता के साथ डिजॉल्व करेगी। लाइपोमा देखे होंगे जहां का जगह जो है लोगों को गांठें बन जाती है, सार्कोमा, कार्सिनोमा, तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी अगर आपको सुनने को आए तो इसके लिए आपको लेपिस एल्बा बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। देखिए दोस्तों, आप जनरल जब मेडिसिन का यूज कर लेते हैं, जो ट्यूमर में गांठ में जो खास तौर से जो दवाएं यूज होती हैं, अगर वो दवाएं नहीं सही से काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको लेपिस एल्बा के बारे में सोचना चाहिए। अब आपको बात मैं डोज की करूं तो देखिए, इसकी जो लोअर पोटेंसी ज़्यादा इफेक्टिव हो चाहिए, जैसे 6, 30, 200 इस तरह की पोटेंसी का आप प्रोलॉन्ग वे में यूज कराइए। जैसे आप किसी को गिल्टी हो गई तो आप क्या करिए कि 30 पोटेंसी को सुबह शाम कंटिन्यू रखिए। अब आप कुछ दिनों तक देखिए कि हम इस पोटेंसी से कितना डिजॉल्व कर पाए, उसके बाद उस पोटेंसी को बढ़ा भी सकते हैं। और सबसे तो बेहतर ये होगा कि आप इस दवा का प्रयोग किसी अच्छे चिकित्सक के मार्गदर्शन में करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, आपकी वास्तविक समस्या जो होम्योपैथी में बहुत ही सम्मान के साथ देखी जाती है, गिल्टियों के लिए, इन ड्यूरेशन के लिए, तो आपको लेपिस एल्बा ने बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए योगदान करेगी। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको बहुत ही काम की है, बहुत ही जो है मतलब की है। इसे एक एक शब्दों को अपने दिमाग में बैठाइएगा और आपकी गांठ, इंड्यूरेशन, ट्यूमर, फाइब्रॉइड को आप घर बैठे ही इलाज करिए। तो हमें उम्मीद है कि आप मेरे चैनल से जुड़े भी हैं और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रतिदिन ले भी रहे हैं। दुर्भाग्य से आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, आप अभी तक मेरे चैनल से जुड़ नहीं पाए हैं, तो तत्काल सब्सक्राइब करिए और आइकन बेल दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियो, कोई भी नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। देखिए, अच्छी चीजों का निश्चित रूप से जो है प्रसारण होना चाहिए, उसकी स्प्रेडिंग होनी चाहिए, सबके तक पहुंचना चाहिए, तो आपका धर्म बनता है कि अच्छी चीजों को जन जन तक पहुंचाइए। तो आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए नित्य देखिए डॉक्टर एस बी तिवारी यूट्यूब पर और पाइए नित्य नई जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।